हेलो दोस्तों, तो मेरे नए वीडियो में फिर से आज एक बार आपका स्वागत है। और आज हम बातें करेंगे रेलवे से संबंधित, एक एनटीपीसी होती है उसका वैकेंसी आने वाली है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एनटीपीसी को लेकर, रेलवे के वैकेंसी के लेकर। आप लोग को बहुत दिन से इंतजार होगा कि कब इसका वैकेंसी आएगा, और खासकर उन विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा इंतजार होता है यूपी बिहार वाले के लिए, जिनका इंग्लिश थोड़ा वीक होता है। इंग्लिश वीक होने से भी रेलवे में एक अच्छा आपको स्थान मिलता है। एनटीपीसी तो एक अच्छा ही पोस्ट, इसमें हर पोस्ट ही अच्छा है। आप मान लिया कि आप जा एनटीपीसी में, वो सारे पोस्ट होते हैं, आप कहीं ट्रेन में सफर कर रहे होंगे तो आपको टिकट चेक करते मिल जाता है, तो एनटीपीसी से बनता है। आपको टिकट काटने वाला जो रहता है क्लर्क, वो एनटीपीसी से बनता है। स्टेशन मास्टर होते हैं, वो भी एनटीपीसी से बनते हैं। गुड्स गार्ड होती है, वो भी एनटीपीसी से बनते हैं। और ऑफिस वगैरह में क्लर्क वगैरह होते हैं, वो भी एनटीपीसी के माध्यम से। एनटीपीसी बहुत अच्छा पोस्ट है, आप इसमें मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, एक बहुत ही आपको इसमें आने के बाद भी आपको प्रमोशन पर प्रमोशन, अच्छा हर एक कम अंतराल में आपको इसमें प्रमोशन मिलती है। तो देखिए, एक रेल मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया है, उसी कैलेंडर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर, देखिए एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के माध्यम से। देखिए जनवरी और मार्च में एएलपी का आया था, एएलपी का जो पोस्ट आया था वो निकल चुका है, आप लोग भर चुके होंगे। अप्रैल और जुलाई में टेक्नीशियन का जो आप लोग भर चुके हैं पोस्ट, ये आया हुआ था। और जुलाई और सितंबर में आने का चांस है एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का ये आएगा। पॉपुलर कैटेगरी जो लेवल 4, 5, 6 रहेगा, और एक रहेगा अंडर ग्रेजुएट वाला को रहेगा 2, 3, लेवल 2 और 3 का। तो इसी कैलेंडर के माध्यम से एक रेल मंत्रालय ने, रेल मंत्री भी साफ बोल दिया कि कैलेंडर होना चाहिए, कैलेंडर के माध्यम से ही आपका ये वैकेंसी आएगा। तो आपका जल्द ही आने वाला वैकेंसी है, और इस वैकेंसी में कितना पोस्ट होगा, कब इसका भरने का जो डेट आएगा, वो कब से हम इसको भर सकते हैं, और इसका कब लास्ट डेट होगा, वो आपको हम बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो देखकर, या आपने पहले से तैयारी कर रहेंगे, वीडियो देखने के बाद आप मन से तैयारी कीजिए और जी जान लगाइए, और रेलवे में आइए और रेलवे की सेवा दीजिए। तो देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कि स्क्रीन पर, देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कि रेलवे में जो एनटीपीसी आएगी वो कब आएगा, और इसका उम्र सीमा कितना रहेगा, इसमें पोस्ट कितना रहेगा। तो देखिए ऊपर में लिखा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 लिखा हुआ है। एनटीपीसी रिक्ति की घोषणा, एक ही नोटिस में स्नातक और स्नातकोत्तर पद के लिए, स्नातक पद के लिए की जाती है। एनटीपीसी जो है लेवल 4, 5 और 6 और 2, 3 के लिए है, जो ये सब पोस्ट है। इसके बारे में हम आपको एक डिटेल्स वीडियो बताएंगे कि जो होती है रेलवे में 4-5 पोस्ट, उसका कौन पोस्ट होता है। देखिए पोस्ट का नाम है एनटीपीसी, तो एनटीपीसी हो गया, और रिक्तियों की संख्या 20,000 है, 20,000 आने वाला है, एक अच्छा पोस्ट आएगा, आप लोग मन से तैयारी कीजिए। इसका शैक्षणिक योग्यता है स्नातक और प्रस्नातक यानी पीजी। आयु सीमा 18 से 33 वर्ष है, और एससी एसटी ओबीसी का जो छूट मिलता है उसमें मिलेगा। आवेदन करने का प्रारंभिक तिथि जून 2024 में होगा, और आवेदन करने का अंतिम तिथि जुलाई 2024 में होगा, और परीक्षा सितंबर 2024 में आयोजित की जाएगी। आप अच्छे से तैयारी, आपको इस वैकेंसी के बारे में समझ में आया होगा कुछ। अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ अगर आपको मन में डाउट है, तो आप मेरा कॉमेंट बॉक्स में हमसे कुछ पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्त मेरा वीडियो देखने के लिए।